दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप शॉपी एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि शॉपी एप्लीकेशन में हम जो है अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें, तो गाइस आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन को ओपन करना है। शॉपी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर सिंपली इस मी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको माय अकाउंट में बैंक अकाउंट एंड कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप शॉपी एप्लीकेशन में अपनी बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है अपनी बैंक डिटेल फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर फुल नेम इन योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बैंक में आपका जो भी नेम है यहाँ पर आपको जो अपना फुल नेम टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आपको अपने बैंक का नेम टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक है यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैंक को यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सिटी पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ से आपको जो अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर ब्रांच नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो अपनी ब्रांच का नेम टाइप करना है। यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच है आपको अपना ब्रांच का नेम डालने के बाद जैसे आप IFSC कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का जो है IFSC कोड यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है। जो भी आपका जो है अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही आपकी जो है बैंक डिटेल शॉपी एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है शॉपी एप्लीकेशन में अपनी जो है बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।